Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं प्रॉन्स चिली। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की बनाते हैं। चलिए ये है 500 ग्राम झींगे छीले हुए हैं। छीलने के बाद 500 ग्राम है और बीच में से रंग निकाल ली, दो तीन पानी से मैंने धो लिया था, अच्छे क्लीन हो गए। तो छन्नी के ऊपर 10-15 मिनट मैंने साइड पर रहने दिया। एक बाउल में डाल दीजिए, इसमें आधा छोटे चक्कर चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार, 3/4 या 1 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, वैसे मैं 3/4 छोटे चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप इससे कम भी डाल सकते हैं अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच शेजवान चटनी, अंडा डाल दीजिए फोड़कर 1, और 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे आप चाहें तो ढक कर फ्रिज में रख सकते हैं आधे एक घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, या फिर आप इसे अभी ही इसी समय फ्राई कर सकते हैं। मुझे ना इसका बैटर थोड़ा पतला लग रहा है तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाला है और मिलाकर मैं अभी इसे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसे एक घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख दिया था उसी समय। हाँ, मुझे अभी निकाला तो थोड़ा सा पतला लगा तो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर के बजाय यहाँ 1 टेबलस्पून मैदा डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए तेल का। अच्छा, गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारे वेल कोट करे हुए पीसेज हैं इसके प्रॉन्स के डालते जाएं, फ्यू एट अ टाइम डालें, और सबसे पहले तो इन्हें आधे मिनट तक बिल्कुल भी टच ना कीजिए। जब आधा मिनट हो जाए तो इसे उलट पलट करते जाएं और 3-4 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दे जाएं। तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन होएंगे 3-4 मिनट के अंदर तो प्रॉन्स बहुत ही जल्दी पक जाते, तो आराम से पक जाएंगे। चलिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्रॉन्स और गल भी चुके होंगे, तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख देती हूँ एक छन्नी के ऊपर। टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा नहीं तो सॉगी हो जाएंगे। तो ये बढ़िया से क्रंची क्रिस्पी रेडी हो गए हमारे प्रॉन्स। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कोटिंग नहीं है, आप देख सकते हैं ज़्यादा आपको प्रॉन्स दिख रहे हैं और ये क्रंची भी होंगे क्रिस्पी भी होंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कोटिंग वाले चाहिए तो यहाँ मैं वो भी बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून मैदा डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और ये बन जाएंगे अभी आपके कोटिंग वाले। ज़्यादा कोटिंग रहेगी थोड़ी सी, अब ये देखिए ये मेरे जो बने हैं ये हल्के हल्के कोटिंग वाले, ज़्यादा कोटिंग नहीं है लेकिन क्रिस्पी है और ज़्यादा आपको प्रॉन्स दिखेंगे, और ये वाले थोड़े कोटिंग वाले थोड़े बनेंगे। तो चलिए सारों को बैचेस के अंदर मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये वाले बैच में आप देख सकते हैं तो थोड़े से कोटिंग वाले बने हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको जैसे क्रंची और ज़्यादा कोटिंग नहीं चाहिए तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च वाले बनाइए 4-5 टेबलस्पून डालकर मिक्स कर, और अगर आपको थोड़े से कोटिंग वाले चाहिए तो 1 टेबलस्पून मैदा भी डाल दीजिए और 3-4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डाल के मिक्स कीजिएगा, ये टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, बढ़िया से मज़ेदार बने हैं जैसे आप देख सकते हैं। इन्हें अब मैं साइड पर रख देती हूँ और अब हम सॉस बना लेते हैं। अब उसके लिए ना एक प्याली के अंदर मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाला है और आधा कप पानी डालकर इसे मिक्स कर इसकी एक स्लरी यानी कि घोल बनाकर इसे साइड पर रख दीजिए। अब कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए, इसके अंदर जो तेल आपने अभी फ्राई किया है ना वही वाला तेल इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये इस्तेमाल हो जाएगा ना वो वाला। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्ची मैंने ली है, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं बारीक कटी हुई साइडवेज में, और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आँच पर 10-12 सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। मैंने यहाँ एक सूखी लाल मिर्च बड़ी थी उसे टुकड़ा मतलब तोड़ के डाला है, आप चाहें तो छोटी हो 2-3 डालिएगा, चूल्हा मैंने मीडियम आंच कर दिया है,
और यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर जो हरी प्याज की पत्ती, जो प्याज आती है वो बारीक काटी हुई डाल दीजिए, और उसे भी 10-12 सेकंड के लिए बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। थोड़ा सा मुझे तेल कम लग रहा है, मैंने थोड़ा तेल एक्स्ट्रा डाला है। 10-12 सेकंड हो जाए ये प्याज फ्राई करते हुए। अब डाल दीजिए मीडियम साइज की प्याज को, स्क्वायर शेप काट कर डाल दीजिए। तीनों कलर की शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने आधी आधी ली और इसे स्क्वायर शेप में काट कर डाला है। अगर आपके पास, मेरी बड़ी थी तो मैंने आधी ली, अगर आपके पास छोटी छोटी हो तो साबुत एक एक लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास तीनों कलर की शिमला मिर्च ना हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ हरी वाली ले लीजिएगा। बड़ी हो तो एक लीजिएगा, छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। नमक डाल दीजिए और 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर इसे 10-15 सेकेंड ही मैं फ्राई करती हूँ, सो दैट क्रंचीनेस रहता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बट आपको थोड़ी सी पकी पकी सी अच्छी लगती है तो आप आधे एक मिनट तक फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने चूल्हा कर दिया है स्लो और अब डाल देते हैं थोड़े से सॉसेस। इसमें डाल दीजिए अब 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी, यानी कि शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं या शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर और 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें है ना हल्का सा एक उबाल आ जाने दीजिए। आधे मिनट तक ही पकाइएगा तो हल्का सा थोड़ा सा यू नो पकने लगेगा। जब ऐसा लगे आपको कि थोड़ा सा पकने लगा है तो हमने जो साइड पर स्लरी बना के रखी है कॉर्नस्टार्च की, कॉर्नफ्लावर की, वो डाल दीजिए इसके अंदर। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए और इसे पकने दीजिए। थोड़ा सा आपको लगे कि हल्का हल्का थिक हो रहा है तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ें एडजस्ट करनी है तो डाल दीजिए, मैंने कुछ एडजस्ट किया नहीं है। थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। मिक्स कर लीजिए और ये देख सकते हैं आप, अच्छी थिक हो गई है ना ग्रेवी। तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉन्स हमारे फ्राई कर रहे हुए ये सारे डाल दीजिए, थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस, हरी प्याज की पत्ती डाल दीजिए, चूल्हा मीडियम पर ही, और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, यानी कि टॉस कर लीजिए। ज़्यादा देर तक इसे मिक्स नहीं करना है, आधे एक मिनट तक ही इसे टॉस कीजिए। और टॉस करने के बाद इसके ऊपर आप डाल दीजिए थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस फिर से थोड़ी सी, और गर्मा गर्म इसे एक प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए। जब प्लेट में निकालें तब भी थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज की पत्ती डालिएगा, थोड़ा सा खूबसूरत भी लगना चाहिए ना हमारा क्रिस्पी चिकन चिल्ली ड्राई। अच्छा, अब यहाँ है कि ये ड्राई है, आप देख सकते हैं ज़्यादा सॉस लगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपको सॉस लगा हुआ ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने जब सॉसेस डाले थे तो वहाँ पर आप 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस के बजाय 3 या 4 टेबलस्पून टमाटर सॉस डालिएगा, और 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस के बजाय 2 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून शेजवान सॉस या चटनी डालिएगा। वहाँ मिक्स करने के बाद जब आप स्लरी डालते हो तो स्लरी भी आप 1.5 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर के बजाय 2.5 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर को 3/4 कप जितने पानी के अंदर डालकर उसका घोल बनाकर डालिएगा और उसे गाढ़ा कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ी सी और ज़्यादा सॉस मिलेगी। मुझे ये परफेक्ट लग रही है, इससे क्या ना क्रिस्पीनेस भी हमारे जो हमारे प्रॉन्स का भी उभर कर आ रहा है। लेकिन अब आपको ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप वैसा बना सकते हैं, स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा ये वाली रेसिपी के अंदर। मैंने कुछ सी फूड की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।